मूवी के स्टार्ट में हम एक गोश्त की दुकान को देखते हैं जो कि एक कपल चला रहा होता है। वो कपल अपने रूटीन का काम कर रहा होता है कि अचानक वेगन्स उन पे हमला कर देते हैं। वेगन्स यानी कि वेजिटेरियन, ये वो लोग हैं जो बिल्कुल भी गोश्त वगैरह नहीं खाते और बल्कि एनिमल क्रुएल्टी के ऊपर ये लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं। और इन दिनों इस इलाके में ये वेगन्स ऐसे ही प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। उसी प्रोटेस्ट के चलते ये लोग इनकी शॉप पर हमला करते हैं। तभी दुकान का मालिक विंसेंट उनमें से एक बंदे पर हमला करता है, मगर उसके बाकी साथी आकर उसको यहाँ से छुड़ाकर ले जाते हैं। विंसेंट जिसकी दुकान पहले ही बहुत घाटे में चल रही थी, ये लोग उसकी दुकान का और बुरा हाल कर जाते हैं। अब इनका कारोबार आस्ता आस्ता बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। अब यहाँ हम इनके दोस्तों को देखते हैं, ये दोनों भी गोश्त का काम करते हैं मगर इनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा होता है, अपने काम से बहुत पैसा कमा रहे होते हैं। वो इसलिए विंसेंट और उसकी वाइफ के सामने अपने काम की बहुत तारीफें करते हैं, जो सुनकर विंसेंट और उसकी वाइफ काफी परेशान रहते हैं। यहाँ से ये लोग अपने अपने घर को निकलते हैं, मगर रस्ते में ये दोनों मियाँ बीवी अपने दोस्तों की खुशहाली, उनके काम, उनका सब कुछ देख के बहुत जल रहे होते हैं। अब यहाँ रस्ते में विंसेंट को वही वेजिटेरियन लड़का नजर आता है जिसे विंसेंट ने कल पकड़ा था। यहाँ विंसेंट गुस्से में उसके ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है। विंसेंट समझता है कि शायद उसे हल्की फुल्की चोट आई होगी, मगर जब बाहर निकल के देखता है तो वो लड़का मौके पर ही मर जाता है। अब यहाँ विंसेंट काफी घबरा जाता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि हमें ये पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, मगर उसकी वाइफ उसे ऐसा करने से रोकती है। वो उसे कहती है कि हमें इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। ये उसकी लाश को अपने साथ गाड़ी में अपने घर ले आते हैं और घर लाने के बाद विंसेंट जो कि खुद एक कसाई है, वो बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे ठिकाने लगाने का सोचता है। बॉडी को काटते काटते बॉडी का छोटा सा टुकड़ा जमीन पे गिरता है, जिसे डॉग उसका उठा के खा लेता है। ये सीन देख के विंसेंट बहुत हैरान हो जाता है। वो बॉडी का एक और टुकड़ा निकाल के फेंकता है और वो डॉग उसको फिर से खा जाता है। अब ये सीन देख के विंसेंट के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है। अब शैतानी ख्याल दिमाग में आए तो वो शैतान की खाला को मत बताए, ये तो हो नहीं सकता। वो ये आइडिया बताने के लिए सीधा अपनी वाइफ के पास जाता है, मगर रात काफी हो गई थी इसलिए ये लोग यहाँ पर सो जाते हैं। अब सुबह के वक्त जब विंसेंट अपनी दुकान पर जाता है तो उसको पता चलता है कि रात में जो गोश्त उसने काट के रखा था उसकी वाइफ ने वो किसी कस्टमर को बेच दिया है। विंसेंट को पता लगते ही वो घबरा जाता है, लेकिन हैरानगी तो ये है कि यहाँ वो कस्टमर भी आ जाती है और वो कहती है कि जो गोश्त मैं आपसे लेकर गई हूँ वो इंतहाई लजीज है, मुझे ये गोश्त और चाहिए। उसकी बात सुन के विंसेंट की वाइफ भी गोश्त को ट्राई करती है और इसको भी ये गोश्त बहुत लजीज लगता है। विंसेंट अपनी वाइफ को बताता है कि जो गोश्त तुमने अभी अभी खाया है ये उसी इंसान का है जिसे हमने कल मारा था, जिसपे उसकी वाइफ बहुत गुस्सा होती है। लेकिन मगर यहाँ और भी कस्टमर आने लगते हैं इस जायके से भरे हुए गोश्त को खरीदने के लिए, क्योंकि पहले जो लड़की कस्टमर इनके पास आई थी उसने बाकी लोगों को भी बताया होता है कि इस शॉप से उनको बहुत अच्छा गोश्त मिलने वाला है। अब यहाँ देखते देखते गोश्त खरीदने वालों की लाइन लग जाती है जो कि इसी गोश्त के लिए आए होते हैं, और तो और पुलिस भी इससे ये गोश्त खरीद कर ले जाती है और उनको बिल्कुल भी शक नहीं होता कि ये एक मुर्दा इंसान का गोश्त है। विंसेंट यहाँ अपने गोश्त को एक नाम दे देता है ताकि किसी को कोई शक ना हो सके। यहाँ ये लोग जो पहले घाटे में चल रहे थे, जिनका कारोबार तकरीबन डूब रहा था, ये एक ही दिन में सारा गोश्त बेचकर काफी मुनाफा कमा लेते हैं। रात में अपने घर आने के बाद विंसेंट भी इस गोश्त को ट्राई करता है, जहाँ इसको पता लगता है कि वाकई ये तो बहुत लजीज गोश्त है। जहाँ विंसेंट की वाइफ जो शैतान की खाला विंसेंट को कहती है कि हमें इस काम को बढ़ाना चाहिए, और काम को बढ़ाने के लिए हम उन्हीं लोगों को चुनेंगे जो गोश्त को नहीं खाते, यानी कि वही वेगन्स। विंसेंट भी यहाँ अपने वाइफ के आइडिया के बारे में सोचता है, मगर वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं एक कातिल नहीं बनना चाहता। हम देखते हैं उनकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड को लेकर अपने घर आती है, जिसके लिए विंसेंट और उसकी वाइफ ने काफी कुछ खाने के लिए बनाया होता है। लेकिन जहाँ उनको पता चलता है उनकी बेटी का दोस्त भी एक वेजिटेरियन है, कुछ जो इन्होंने बनाया होता है वो इसमें से कुछ भी नहीं खाता, मगर विंसेंट की वाइफ उसको एक बियर देती है जिसपे वो मना कर देता है। वो कहता है कि वो एक स्पेशल बियर पीता है जो कि वेजिटेरियन लोगों के लिए होता है। विंसेंट और उसकी वाइफ को गुस्सा आने लगता है, वो उसको केक देते हैं जिसपे वो मना कर देता है क्योंकि केक में भी अंडा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि इनकी बेटी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहते रहते वेजिटेरियन वाली हरकतें करने लगती है, वो भी ऐसी कोई चीज नहीं खाती जिसमें गोश्त होता है, जिसपे विंसेंट और उसकी बीवी काफी परेशान भी होते हैं और उनको गुस्सा भी आता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि विंसेंट को उसकी वाइफ ने कन्विंस कर लिया होता है। वो एक हथियार लेके नॉन वेज लोगों के पीछे निकलते हैं कि वो उनका शिकार कर सकें और उनको काट के अपने कस्टमर को बेचें। अब यहाँ से ये लोग एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट पे जाते हैं, जहाँ पर इनको एक मोटा ताजा वेजिटेरियन इंसान नजर आता है। ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना इसी का शिकार करें। उसका पीछा करते करते ये लोग होटल से बाहर आते हैं। विंसेंट उस पे हमला करके उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो वहां से भाग कर फौरन अपनी गाड़ी में आता है और ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। रस्ते में उसकी वाइफ उसको समझाती है, देखो विंसेंट, हमें अपनी दुकान
दुकान चलाने के लिए ये कुछ तो करना पड़ेगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब अगले दिन ये लोग एक कोशिश फिर से करते हैं। इस बार ये लोग अपना भेष बदल के नॉन वेज बन के लोगों के बीच जाते हैं और प्ले कार्ड उठाए लोगों को नॉन वेज बनने के लिए कहते हैं। असल में ये देखना चाहते हैं कि कौन सा नॉन वेज इनके पास में आएगा जिसका ये शिकार करेंगे। ये इनका एक ट्रैप होता है और फाइनली एक लड़का जो नॉन वेज होता है वो इनके पास आकर इनकी तारीफ करता है और इनको मिलने के लिए अपने पास बुलाता है। अब ये लोग सोचते हैं कि इस मौके को तो बिल्कुल भी गवा नहीं सकते और ये उससे मिलने उस लड़के के पास जाते हैं। विंसेंट उसको मारने के लिए अपने साथ अपना हथियार लेकर जाता है। वो लड़का जब इनको मिलने के लिए आता है वो अकेला नहीं होता, उसके साथ उसके दोस्त भी होते हैं। यहाँ विंसेंट उसका शिकार नहीं कर पाता, उसके बाकी दोस्त भी वेजिटेरियन ही होते हैं और ये लोग यहाँ पर आपस में प्लान बनाते हैं। उन लोगों के पास एक गोश्त की दुकान की चाबी भी होती है जहाँ ये लोग प्लान बनाते हैं। ये लोग उस शॉप पे जाएंगे और उसे तोड़ देंगे। अब ये लोग अपना भेष बदल कर उस दुकान को तोड़ने के लिए जाते हैं, साथ में विंसेंट और उसकी वाइफ भी होती है। यहाँ विंसेंट देखता है कि ये तो उसी शॉप के बाहर आए हैं जो शॉप इनके दोस्त की है, तो ये लोग ज्यादा परवाह ना करते हुए उनके साथ चले जाते हैं और ये लोग मिलकर उस दुकान को तोड़ ताड़ देते हैं, पूरा बर्बाद कर देते हैं। अगले दिन विंसेंट का दोस्त उसको भी कॉल करके बुलाता है और रात में हुए इस सीन के बारे में बताता है कि कुछ लोगों ने आकर उसकी दुकान तोड़ दी थी। विंसेंट देखता है कि वहाँ एक पुलिस ऑफिसर भी है। वो पुलिस ऑफिसर इनको बताता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज आ गई है, मैं बहुत जल्द उन लोगों को पकड़ लूंगा। अब रात में विंसेंट अपनी वाइफ के साथ एक कैफेटेरिया पे जाता है जहाँ खाना खाते हुए इनमें आपस में किसी बात पर बहस हो जाती है और विंसेंट गुस्से में वहां से चला जाता है और उसकी वाइफ वहीं बैठी रहती है। तभी एक लड़का आके विंसेंट की वाइफ के पास बैठ जाता है और वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और बात करते हुए विंसेंट की वाइफ को पता लगता है कि ये भी एक वेजिटेरियन है। यहाँ शैतान की खाला के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो वेटर से कहती है कि तुम मुझे घर ड्रॉप करो। वेटर उसको घर ड्रॉप करने जाता है और यही मौका देखकर विंसेंट की वाइफ उसकी जबान काट लेती है। विंसेंट की वाइफ आकर विंसेंट को बताती है कि मैं एक वेजिटेरियन बंदे को अपने साथ लाई हूँ, तुम जाकर उसको मार डालो। जब विंसेंट जाकर देखता है तो वो आदमी तो बिना लिबास उसकी वाइफ का इंतजार कर रहा होता है। यहाँ विंसेंट को गुस्सा आ जाता है, विंसेंट उसके सर पे गमले से हमला करता है और मार मार के आखिर उसको मार ही देता है। अब हम अगले सीन में दोनों मियाँ बीवी को उसकी लाश को काटते हुए देखते हैं जो कि अब बहुत प्रोफेशनल हो चुके हैं, कि जो इनका रोज का काम है। ये लोग रोजाना एक बंदे को अपने जाल में फंसा कर उसको मार डालते थे। अब ये काम करते करते इनको काफी मजा भी आ रहा था। इनकी दुकान जो पहले बर्बाद हो चुकी थी अब वो भी बहुत अच्छा कमा रही थी। इनके कस्टमर्स की लाइनें लगी हुई थी जो कि सब इसी गोश्त के पीछे आते थे। डिमांड ज्यादा होने की वजह से ये लोग गोश्त की कीमत को भी ज्यादा कर देते हैं। अब एक रात हम देखते हैं कि ये दोनों मियाँ बीवी बैठे अपने शिकार का इंतजार कर रहे होते हैं जो कि एक मोटा ताजा वेजिटेरियन लड़का होता है। वो जब इनके पास आता है तो वो इनके इरादे समझ जाता है, ये लोग खतरनाक हैं। वो इनसे जान छुड़ा के वहां से भागता है मगर वो लड़का ज्यादा दूर भाग नहीं पाता क्योंकि वो हार्ट पेशेंट होता है। थोड़ा आगे जाने के बाद हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं विंसेंट अपनी वाइफ के साथ अपने दोस्त मार्क के घर जाता है और ये लोग वहीं बैठे अपने लॉन में खाना खा रहे होते हैं। ये वही गोश्त खा रहे होते हैं जो विंसेंट और उसकी वाइफ अपने साथ लाए थे। यहाँ विंसेंट का दोस्त मार्क भी इस गोश्त के जायके के ऊपर काफी हैरान होता है, आखिर इतना लजीज इतना जायकेदार कैसे है। हम देखते हैं कि सब कुछ उल्ट हो गया है। जैसे पहले मार्क और उसकी वाइफ अपने काम की तारीफें कर रहे थे, आज विंसेंट और उसकी वाइफ अपने काम की तारीफें कर रहे होते हैं और काफी खुशहाल नजर आ रहे थे। खाने के दौरान मार्क को उस खाने में से एक छोटी सी डिवाइस नजर आती है जिसपे उसको शक होने लगता है, लेकिन विंसेंट इंतहाई मुहारत से वो चीज उससे खींच के उसका ध्यान कहीं और भटका देता है, वो उसको अपनी बातों में लगा लेता है। और यहाँ हम देखते हैं कि मार्क और विंसेंट में किसी बात पे बहस होती है और वो बहस आहिस्ता आहिस्ता हाथापाई तक आ जाती है। ये लोग आपस में लड़ते हैं और लड़ते लड़ते विंसेंट मार्क के कान को काट लेता है, वो उसे चबाने लगता है जिसपे मार्क और उसकी वाइफ देख के हैरान हो जाते हैं मगर विंसेंट उसको खाता नहीं है, वो उसे चबा के जमीन पे फेंक देता है। एक दिन हम देखते हैं विंसेंट अपनी वाइफ के साथ एक ऐसी गैदरिंग में जाता है जहाँ सिर्फ वेजिटेरियन लोग ही होते हैं। वहाँ ये लोग इंजॉय करते करते अपना शिकार ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ विंसेंट को एक मोटा ताजा बच्चा नजर आता है जिसे देख के विंसेंट का दिल ललचाने लगता है। विंसेंट का दिल चाहता है कि वो इसको खाए मगर यहाँ एक फंड हो जाता है, या इनको इनकी बेटी का बॉयफ्रेंड इनको मिल जाता है। ये लोग इनको देख के काफी हैरान होते हैं और इनसे पूछते हैं कि आप तो नॉन वेज हैं तो इस वेजिटेरियन पार्टी में आप लोग क्या कर रहे हैं? नॉन वेज क्या, आप लोगों की तो खुद की गोश्त की दुकान है, आप लोगों को तो बिल्कुल यहाँ नहीं आना चाहिए था। विंसेंट और उसकी वाइफ यहाँ बहाना बनाने की कोशिश तो करते हैं मगर उसकी बेटी का दोस्त काफी गुस्सा होने लगता है जिस पर जिनको यहाँ से जाना पड़ता है। मगर जाते जाते भी ये लोग एक मोटी ताजी लड़की को देख लेते हैं और उसका शिकार करके उसको भी अपने साथ ले ही आते हैं। अब रात में विंसेंट उस लड़की की बॉडी को काट रहा होता है कि बाहर दरवाजा नॉक होता है। विंसेंट जाके देखता है तो ये वही पुलिस वाला होता है जो इंसानी गोश्त खरीदने इनके पास आता रहता है। वो इनको बताता है कि शहर में काफी लोगों के लापता होने की वजह से उसकी ड्यूटी काफी बढ़ गई है, वो यहीं
से गुजर रहा था, सोचा तुमसे हेलो आई कर लूं। और यही विंसेंट का डॉग कटी हुई बॉडी को हाथ अपने मुंह में लिए उसी जगह पर आ जाता है, जिसे देख विंसेंट की जान तो उसके मुंह में आ ही जाती है, मगर विंसेंट की किस्मत यहाँ अच्छी थी, वो पुलिस वाला उस डॉग को नहीं देख पाता और विंसेंट वहाँ बच जाता है। अब रात में हम देखते हैं विंसेंट अपनी वाइफ को कहता है, यार मुझसे अब ये कुछ और नहीं हो पाएगा, तुम्हें पता है आज कैसे जानवरों की तरह मेरा उस बच्चे को खाने का दिल चाह रहा था, हम धीरे धीरे इंसान से बिल्कुल जानवर बनते जा रहे हैं। मगर उसकी वाइफ जो शैतान की खाला है वो यहाँ भी उसको समझाती है कि देखो तुम चाहते हो कि हम पहले की तरह गरीब हो जाएं, हमारा कारोबार पहले जैसे डूब रहा था अब वो बिल्कुल ही डूब जाए, तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली, वो इसको कन्विंस कर लेती है। यही हम देखते हैं कि घर पर उसकी बेटी का दोस्त आता है और सुबह हुई बात के ऊपर वो उनसे माफी मांगने आता है। और यहाँ हम देखते हैं कि विंसेंट की वाइफ उसके काफी क्लोज हो रही होती है और विंसेंट कहीं ना कहीं समझ जाता है कि मेरी वाइफ का दिल अब इसके ऊपर आ गया है, वो इसको मारना चाहती है। तभी विंसेंट अपनी बेटी के दोस्त का हाथ पकड़ता है और उसको किसी तरीके से बाहर ले जाकर उसको भेज देता है। अगली सुबह हम देखते हैं गोश्त की दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी होती है, सभी लोग इसी गोश्त के पीछे आए होते हैं, जिसपे विंसेंट उनको बताता है कि वो गोश्त अब नहीं है, आगे से इन लोगों को वो गोश्त कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपनी वाइफ की बातों से बिल्कुल कन्विंस नहीं हुआ था और वो सोच लेता है कि वो अब ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, जिस पे वो कस्टमर काफी नाराज होते हैं, वहां से चले जाते हैं। विंसेंट की वाइफ उसको कहती है कि देख लेना, तुम्हारी वजह से हम लोग पहले से भी ज्यादा गरीब हो जाएंगे, हमारे हालात पहले से भी बदतर हो जाएंगे। जो सुनने के बाद विंसेंट को गुस्सा आता है और वो यहाँ से चला जाता है। विंसेंट के यहाँ से जाने के बाद दुकान पे वही तीन लोग आते हैं जो कि वेजिटेरियन, इनके साथ पहले भी इनके दोस्त की शॉप पर हमला कर चुके थे। वो लोग यहाँ देख लेते हैं कि ये लोग तो खुद नॉन वेज हैं, बल्कि इनकी तो अपनी गोश्त की दुकान है। वो विंसेंट की वाइफ को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। विंसेंट घर आने के बाद देखता है उसके घर के बाहर उन्हीं वेजिटेरियन लोगों की गाड़ी खड़ी होती है, जिसे देख वो काफी हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। घर के अंदर जब जाता है तो वो लोग उसकी वाइफ को तकरीबन मारने ही वाले होते हैं। विंसेंट यहाँ बिना सोचे समझे उन लोगों पर हमला कर देता है और यहाँ देखते ही देखते वो उन लोगों को मार देता है। विंसेंट उनसे फाइट के दौरान खुद भी काफी जख्मी हो जाता है। विंसेंट की वाइफ खुद को आजाद कर लेती है और आखिरी बचे हुए वेजिटेरियन को भी मार देती है और यूं ये लोग उनसे बच जाते हैं। ये उन लोगों से तो बच जाते हैं, लेकिन पुलिस भी इनके पीछे ही होती है। इतने सारे लोगों के अगवा होने के बाद काफी टाइम से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और आखिरकार वो इन तक पहुंच जाती है और इनको उम्र कैद की सजा हो जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।